हरियाणा में सियासी उठापटक जारी है। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट चुका है। हरियाणा सरकार गिर चुकी है। नए मुख्यमंत्री का चयन हो चुका है। नए मंत्रिमंडल ने राजभवन में शपथ भी ले लिया है। तो क्या है हरियाणा की नई सरकार का स्वरूप? किसे मिली कौन सी कुर्सी? कैबिनेट के मंत्रिमंडल में किसे मिली जगह? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में महासंग्राम छिड़ गया है। अचानक ही हरियाणा के मंत्रिमंडल में बड़ा उलटफेर सामने आया है। हरियाणा में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मतभेद के चलते बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद हरियाणा की सियासत में बड़ा बदलाव सामने आया है। खट्टर के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें भाजपा सांसद नायाब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया और सैनी ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। बीजेपी ने जेजेपी के बिना बहुमत समर्थन का दावा किया। बीजेपी ने विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा, जिसके बाद नायाब सिंह सैनी को राज्यपाल ने हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। उनके साथ ही कंवरपाल, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। ये पांचों खट्टर कैबिनेट में भी मौजूद थे, जबकि हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। वे नायाब सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर नाराज होकर मीटिंग छोड़कर चले गए। विज के साथ आधा दर्जन विधायकों का भी समर्थन माना जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नायाब सैनी की सरकार बचा हुआ कार्यकाल पूरा कर पाएगी। DB Live की रिपोर्ट।